हेलो, वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले और उनके बेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग पढ़ लिए हैं साइन 3x, साइन 2x, कॉस 3x, कॉस 2x, टेन 3x। तो अगर ये नहीं जानेंगे इन दोनों फार्मूलों के बारे में और इनके फार्मूले कैसे सॉल्व होंगे, तो हम लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़न में रहेंगे और बहुत दिक्कत हमको होने वाली है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आपका जो थर्ड पार्ट था मल्टीपल ऑफ एंगल का, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके, पॉज करके ये दो फार्मूले आपको इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, बिकॉज अगर ये आप जानते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, पहला फार्मूला हमारा है कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या स्टूडेंट इसको हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला हो गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा मैचअप नहीं हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट वाला चलिए बाई चांस हो गया, लेकिन ये प्रूवमेंट होगा इसका, अच्छे से है ना। तो इसकी गलती मत करिए, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ही एकदम जस्ट अप्लाई कर दें, है ना। तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सारे फार्मूले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं और हम काफ़ी इनके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो इनका यूज करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए कैसे फर्स्ट का प्रूवमेंट होगा कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कैसे होगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसका हमें यूज करना है फॉर्मूले का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई हमने लिया। अब साइन ए प्लस बी अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना, इस टाइप से ब्रेक होगा। इनटू ये भी होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस इंटू साइन वाई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमें साइन ही प्रूव करना है ना, तो हम कॉस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर वाई के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का 1 में, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे इसमें तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा, ठीक है स्टूडेंट, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। फिर साइन स्क्वायर वाई का करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा और माइनस माइनस प्लस में आएगा। अब स्टूडेंट देखिए, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, बस हमको ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला साइन का ध्यान रखना है। तो हम क्या जान गए कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर होगा, या फिर हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ भी सेम ऐसे प्रूवमेंट इसका भी होगा। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई है ना। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया ना कॉस ए प्लस बी वाला, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, है ना, यहाँ अप्लाई कर दिया। फिर कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखिए स्टूडेंट, फिर से वही केस बन रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
स्टूडेंट्स, अब इसमें हमको क्या नहीं चाहिए, इसमें हमको साइन नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, हमें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई चाहिए ना, तो हम लोग किसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर हमको चाहिए ना, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो कॉस स्क्वायर वाई तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर वाई चाहिए, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्रूवमेंट हमेशा जो प्रूव करना है उसको ध्यान रख के करना है हमको, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसका मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई एन प्लस दिस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों फार्मूलों को हम लोग जानते रहें बहुत अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इज इक्वल टू साइन टेन एक्स इंटू साइन टू एक्स। अब स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे आपको क्या होगा, आप लोग सिक्स एक्स है तो आप लोग इसको टू इंटू थ्री वाला अप्लाई करेंगे या थ्री इंटू टू वाला अप्लाई करेंगे, है ना, साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा यहाँ पे करेंगे, तो ये सब गलतियाँ करके आप लोग एकदम अपना सिर फोड़ लेंगे, तो इसीलिए ये फार्मूला आपको बताना जरूरी था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीधे सीधे आप लोग इसको कर डालेंगे, या तो राइट लेंगे तो इसको चेंज करेंगे टू साइन ए साइन बी वाले से, ठीक है, तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है, आप लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे कि आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से आप लोग फार्मूला जान गए हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने लगा दिया फार्मूला, तो क्या आ गया, साइन टेन एक्स इंटू साइन टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से आ गया। अगर ये फार्मूला नहीं जानते होते हम लोग तो फिर जानते हैं ना क्या करना पड़ता, साइन थ्री टू लगाते, फिर उसके बाद टू साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस डी, तमाम चीज़ें लगाते लगाते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन आंसर नहीं आता। अब स्टूडेंट्स एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर एट एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, तो हमने पढ़ा हुआ है ना फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल आराम से ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, कॉस ए प्लस बी एट एक्स प्लस फोर एक्स एंड कॉस ए माइनस बी एट एक्स माइनस फोर एक्स, तो कितना गया स्टूडेंट्स, कॉस ट्वेल्व एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, राइट का अप्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स इज इक्वल टू साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स। तो स्टूडेंट देखिए, हमने कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है ना, नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों कॉस को हम चेंज करेंगे साइन में, हम लोग क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लिख लिया इसको। अब कॉस स्क्वायर टू एक्स यानी कॉस स्क्वायर थीटा, मान लीजिए टू एक्स क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स जो है, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे माइनस है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इतना दिया है, ये माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, अब तो फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या, ठीक है, तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से क्या आ गया, साइन एट एक्स इंटू साइन फोर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो कभी कभी जो ऐसा आएगा तो हम क्या जानते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, तो हम लोग आराम से इसको कर लेंगे, और नहीं जानते रहेंगे तो नाना प्रकार की चीज़ें हम लोग यूज करते रह जाएंगे और आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, दोनों फार्मूले को डेरिवेशन करिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, और टुमारो आपका नेक्स्ट वीडियो मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाला अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहिए, थैंक यू एवरीवन, बाय।